नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में बीटीसी करने में कितना खर्चा आता है एकदम बारीकी से मैं बताऊंगा कि कितने रुपए आपके खर्च होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप कैरियर से रिलेटेड कोई भी बातचीत हमसे करना चाहते हैं, सीधे काउंसलिंग लेना चाहते हैं हमसे, या कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स प्रश्न आपके माइंड में आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म आएगा छोटा सा, उसको फिलअप कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सीधे आप मुझसे मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हैं और एक साल तक आप कभी भी हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि बीटीसी में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों बीटीसी, जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 साल का कोर्स होता है, यानी 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। ये कहने को 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन आपको कंप्लीट करते करते 3 साल हो जाएगा, क्योंकि पेपर इसके बहुत लेट होते हैं। और दोस्तों बताएं कि अगर इसमें खर्चे की बात करें तो आप 1 साल का जो खर्चा है, पहले मैं उसको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि 1 साल का जो खर्चा है लोग बताते थे, वो 41,000 रुपये अपनी फ़ीस बताते हैं। अब उसमें भी फ़ीस में बहुत सारा नेगोशिएशन करते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग फ़ीस लेते हैं, जो जैसा इनको नेगोशिएट कर ले, काले से जैसी बातें कर ले, उसको कुछ चार्जेस भी ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को 41,000 पूरा ले लेते हैं और बहुत सारे लोगों से 35,000 ही लेते हैं पूरे साल का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा और सोर्स पानी लगाते हैं, तो उनको 30,000 रुपये भी पड़ता है 1 साल में। और अगर आप एकदम अननोन हैं तो कम से कम आपसे 41,000 से 42,000 रुपये तक लेते थे। और उसके बाद दोस्तों ये 1 साल की फ़ीस होती थी, 2 बार पेपर होता है। तो 2 बार पेपर होगा जब, तो जब पेपर आएगा तो सुविधा शुल्क के नाम पर 6,000 से लेकर 5,000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5,000 से 6,000 रुपये होते हैं, 6,000 के करीब लेते हैं। तो 6,000 एक सेमेस्टर का मानिए और दूसरा सेमेस्टर का 6,000, तो 12,000 रुपये इस तरीके हो गए 1 साल का सुविधा शुल्क का। और प्रैक्टिकल फ़ीस के नाम पे 2,000 रुपये लेते हैं, कहीं कहीं 2,500 रुपये या 3,000 रुपये भी ले सकते हैं। तो चलिए 2,000 रुपये अगर लेते हैं तो 4,000 रुपये ये और 12,000 रुपये सुविधा शुल्क, 2 सेमेस्टर का, 1 साल का हो गया ये 16,000 रुपये, और प्लस आपकी 41,000 रुपये फीस, तो ये हो गया आपका पूरा 57,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। और यही हाल है अगले साल का भी। तो 57,000 इस साल का, 57,000, और अगले साल का भी 57,000 जोड़ लीजिए, तो आपका पहुँच गया 1,14,000 रुपये। फिर आप जब मार्कशीट लेने जाएंगे तो हर मार्कशीट का 300 से 500 रुपये लेंगे, यानी 4 मार्कशीट आप लेते हैं तो कम से कम 1,500 रुपये उसका हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों, और जो आप कॉपी लेते हैं, बुक लेते हैं, वो छोड़ दीजिए, जो भी आप पेपर ऊपर देने जाते हैं, जो भी आपका पेट्रोल डीजल खर्च होता है वो तो छोड़ ही दीजिए। ये मैंने बस मुख्य फ़ीस के बारे में बताया कि इतना रुपये लग जाते हैं। मतलब कि आप बीटीसी करने जा रहे हैं तो कॉपी किताब सब कुछ आपका पढ़ाई लिखाई का खर्च मिला दिया जाए तो कम से कम 1,20,000 से 1,30,000 रुपये तक पहुँच जाता है। ये पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन अब दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड को हटा दिया गया है प्राइमरी से, तो बीटीसी में एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जब बीटीसी को, बीएड को जब डाला गया था ना प्राइमरी में, तो बीटीसी में एकदम एडमिशन मिलता ही नहीं था, कहीं की सीट भरती ही नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा छूट देते थे, किसी का स्कॉलरशिप ले लेते थे एडमिशन, किसी को 41,000 ना लेके 30,000 में करा देते थे, किसी को 25,000 में भी करा देते थे बीटीसी, मतलब जिससे जैसी बात हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 41,000 नहीं, अब जो नया सिस्टम इनका आ गया है ना, तो 50,000 से 60,000 रुपये लेंगे 1 साल की फ़ीस, और एकदम देना ही पड़ेगा लोगों को, क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा है। बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ गई है बीटीसी में, सारे लोग बीएड छोड़ छोड़ के बीटीसी कर रहे हैं। तो अब इनकी फ़ीस जो हो गई है वो 50,000 रुपये एकदम पक्की हो गई। अब कितना अभी आप बात करेंगे, कोई बात की गुंजाइश है ही नहीं। आप कितना भी नेगोशिएट करना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे कि कम में कर लें, एकदम नहीं करेंगे। जो बहुत सड़े कॉलेज होंगे वो भी 50,000 रुपये लेंगे, और बढ़िया कॉलेज है तो 60,000 भी लेगा। अब दोस्तों 60,000 तो ऐसे हो गया, जो सुविधा शुल्क पहले 6,000 मांगते थे, ये आराम से मांगेंगे 8,000 7,000, और एकदम लोग देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि इनको मजबूरी पता है कि अब लोग करेंगे क्या, लोगों के पास कुछ विकल्प तो बचा नहीं है, करना ही है। अगर आपको टीचर बनना है, टीचर की ललक है तो बिल्कुल है, और आप तो जानते हैं कि डर है तो बिजनेस है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो प्रैक्टिकल फ़ीस पहले लेते थे ये लोग 2,000 रुपये, तो वो प्रैक्टिकल फ़ीस आराम से अब लेंगे 3,000 रुपये। तो हर जगह फ़ीस बीटीसी की बहुत तेज़ी से बढ़ गई है दोस्तों। अब कितना भी आप चाहेंगे कि अब मैं सोर्स लगा लूँ, रेफरेंस लगा लूँ और फ़ीस को कम करवा लूँ, अब एकदम बिल्कुल सुनेंगे तक नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अब मेरी तो, इन लोग की अब कोई ग्रज नहीं है, अब लोगों को खुद, लोग इनके पास भाग भाग के एडमिशन के लिए आ रहे हैं। तो फ़ीस बढ़ गई ऐसे दोस्तों। तो फ़ीस अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपये 2 साल की बढ़ गई, और जो सुविधा शुल्क है 2 बार 2,000 रुपये बढ़ गया 1 बार का, तो 4 बार आपको देना है पेपर, तो 4 × 8,000 रुपये, 8,000 रुपये ये, और 20,000 रुपये फीस में बढ़ गया, तो ये हो गया 28,000, और प्रैक्टिकल में 4-5,000 बढ़ गया,
तो मतलब कि ये 35,000 रुपये अतिरिक्त फीस और आप वसूलेंगे। मतलब आप नया BTC जो करने जाएंगे तो उनके लिए 35,000 रुपये और हो जाएगा। तो पहले जो होता था 1,15,000 1,20,000 खर्च जाता था, अब हो जाएगा 1,50,000। तो मतलब कि आप BTC करना चाहते हैं, 2 साल 4 सेमेस्टर का कोर्स आप करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि 1,50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये एकदम पक्का 100% ये लगना ही लगना है। अगर 1,50,000 रुपये आप 2 साल में खर्च करने के लिए तैयार हैं तो BTC करने जाइए। अदरवाइज ये सोचिए कि बहुत कम में वो करेंगे तो नहीं होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मैंने एकदम सत्य बताया, एकदम सच्ची लैंग्वेज में बताया, जो चीज़ रियलिटी है वही मैंने बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और भी किसी चीज़ पे अगर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और मुझसे सीधे मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए, कैरियर काउंसलिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।